एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने दक्षिण चीन सागर के आसपास एक साझा संयुक्त रूप से मिलिट्री ड्रिल यानी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस सैन्य अभ्यास में कई सारे देश शामिल हैं, जिसके साथ अमेरिका युद्ध अभ्यास कर रहा है। वहीं अगर इन देशों की बात करें तो इनमें फिलीपींस, अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस जैसे देश भी इस युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं। वहीं इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम सामा सामा 2023 नाम दिया गया है। वहीं यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि चाइना और फिलीपींस के बीच टेंशन जारी है और इन दोनों के टेंशन के बीच अमेरिका इस तरह की युद्ध अभ्यास का करना चाइना को उकसाने की एक रणनीति भी हो सकती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज। हम आज ग्लोबल डिफेंस अपडेट्स की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम हाल ही में शुरू हुए अमेरिका द्वारा साझा सैन्य अभ्यास की बात कर रहे हैं। वहीं इस सैन्य अभ्यास का नाम सामा सामा 2023 रखा गया है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस वहीं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई ग्लोबल लेवल की खबर आपके सामने रखते हैं, जो कि समय समय पर काफ़ी उपयोगी होती है। तो इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए हमें आपका समर्थन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो कृपया समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं सैन्य अभ्यास सामा सामा 2023 के बारे में। इन दिनों अमेरिका समेत 8 देश मिलकर सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जो कि फिलीपींस और चीन तनाव के बढ़ने की आशंका को भी नया मोड़ दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि यह इस तरह का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है और यह सैन्य अभ्यास के संस्करण का 6वां संस्करण है। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में प्रभुत्व की लड़ाई हमेशा से ही चलती रही है। वहीं चीन और फिलीपींस के बीच तनाव की भी यही वजह रही है। फिलीपींस की राजधानी मलीना और चीन की राजधानी बीजिंग में दोनों देशों में तल्खी साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि सैन्य अभ्यास का यह 6वां संस्करण है। इस संयुक्त मिलिट्री ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया जैसे देश शामिल हो रहे हैं। वहीं अमेरिकी नौसेना के अधिकारी कैप्टन सीएन लेविस ने बताया कि सामा सामा का अर्थ है एक साथ होना, यानी इस अभ्यास की भावनाओं को देखते हुए इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता। कैप्टन सीएन अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर स्क्वाडन 7 के कॉमोडोर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त युद्ध अभ्यास के दौरान सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों का समाधान भी किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में संयुक्त देश मिलकर इस तरह का मिलिट्री कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि चाइना को उकसावे जैसा भी लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सभी देशों के करीब 1800 जवान इस तरह का युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। समा समा के 8 देशों के लगभग 1800 सैन्य कर्मी इस तरह की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, जिनमें फिलीपींस, अमेरिका, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम के युद्ध पोत भी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही फिलीपींस के तटरक्षक दल ने आरोप लगाया है कि चीनी पक्ष की तरफ से मिलिट्री ग्रेड लेजर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनके कई सैनिकों की आंखें भी चली गई हैं। फिलीपींस और चीन का तनाव टकराव कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दूसरी तरफ चीन का आरोप है कि तनाव के लिए फिलीपींस ही जिम्मेदार है। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व और दावा हमेशा से ही ठोकता रहा है। चीन की दलील है कि दक्षिण चीन सागर के कई द्वीपों पर उसकी संप्रभुता को लेकर ये सभी देश हमला कर रहे हैं। जिस क्षेत्र को लेकर चीन दावा करता है उसमें साउथ चाइना सी के आसपास द्वीपों के अलावा बालू वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। चीन की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर विवादित इलाकों पर चीन और फिलीपींस के अलावा मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान भी दावा ठोकते हैं।
वहीं इस मिलिट्री ड्रिल जिसका नाम समा समा 2023 है, यह काफ़ी अहम हो सकती है, क्योंकि चाइना जो भी अपना प्रभुत्व साउथ चाइना सी में दावा करता रहा है उस प्रभुत्व को नकारते हुए यह सभी देश मिलिट्री ड्रिल इसी क्षेत्र में कर रहे हैं। वहीं यह पूरे जियोपॉलिटिकल सिस्टम को भी बदल कर रख सकता है। दोस्तों, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।